हेलो एवरीवन, आप सब। और दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं नहा धो चुकी हूँ, नाश्ता हो चुका है, पूजा हो चुकी है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बस नहा धो के बाहर बैठी हुई थी सब्जी काटने के लिए। तो ये पत्ता गोभी लाए थे सब्जी मंडी से, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, इसका नंबर नहीं आया था बनने का, तो मैंने सोचा कि इसी को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मिक्स वेज, थोड़ी सब्जी मैंने मंगा ली थी और पत्ता गोभी पहले से रखी थी। तो पत्ता गोभी, मटर, गाजर, आलू डाल के मिक्स सब्जी बनाने के लिए मैं बाहर बैठी हूँ, सब्जी काट रही हूँ। और सर्दी में तो बस ये मन करता है कि बस धूप में ही बैठे रहो, धूप में ही सारा काम करो, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो अंदर भी करना पड़ता है, सारा काम धूप में नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ धूप भी बहुत देर से आती है, दोपहर में ही बाहर धूप आती है, वरना सुबह से हमारे घर में धूप नहीं आती है। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बस यही टाइम होता है जब हम फ्री होकर थोड़ी देर धूप ले लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद में थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ रख ली थी और यहाँ पर बैठ के मैं सब्जी भी काटती जा रही हूँ और धूप का भी मज़ा ले रही हूँ। तो चलिए, और गर्मी में समझ भी नहीं आता है कि क्या सब्ज़ी बनाएं क्या नहीं बनाएं, बहुत कम सब्जियाँ आती हैं और ठंड में सब्जियों की भरमार रहती है। हरी सब्जी ले लो, साग ले लो, मिक्स सब्जियों में नई सब्जियां सब आ जाती हैं, तो खाने का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। मन करता है कि नई नई चीज़ें खाओ। और मटर का तो बहुत ही ज़्यादा, हम लोगों सबको मटर बहुत पसंद है, हर चीज़ में मटर डलवा लो, चाहे तहरी बनानी हो या सब्जी बनानी हो, सभी में मटर अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गाजर और मटर सभी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती हैं, तो अच्छा रहता है सभी चीज़ें खाओ। अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन सही निकला, क्योंकि मैं भी सभी चीज़ें खाती रहती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाऊँ, मना कर दूँ, नहीं पसंद होता, थोड़ा बहुत खाती हूँ लेकिन खाती हूँ। पहले ये रहता था कि काफ़ी पहले, मतलब शादी से भी पहले, तो मुझे जो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी वो मैं छूती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी। पर शादी से पहले ही मेरी थोड़ी सी आदत पड़ गई थी कुछ दिन में कि मैं सब कुछ खाने लगी थी, और अभी भी वही है कि मैं सभी कुछ खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, तो फिर वो फायदे ही करती है और सभी कुछ खाना भी चाहिए। खाना ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ जिससे आयरन मिल सके, बच्चे के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो लोहे की कढ़ाई के अलावा मेरे यहाँ नहीं, किसी चीज़ में खाना नहीं बनता है, बस पूड़ियाँ मैं नॉनस्टिक वाले अपनी जो पैन है उसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर लोहे की कढ़ाई जल जाती है तो साफ़ करने में दिक्कत होती है, तो वो मैं खाली उसमें बनाती हूँ। बाकी सारा खाना मेरा लोहे की कढ़ाई में बनता है, पौष्टिक रहता है। और क्या कहूँ, बाकी सब तो आप लोग खुद ही जानते हैं, खुद ही रेसिपी करते हैं। अल्मीनियम की कढ़ाई भी लोग यूज़ करते हैं, बट मेरे पास न तो है न मैं कभी यूज़ करती हूँ। मेरे पास नॉनस्टिक की थी पहले, फिर मैंने लोहे की कढ़ाई मंगवाई थी इसीलिए, जिससे लोहे की कढ़ाई में खाना बन सके और अच्छा भी लगता है मुझे उसी में बनाना। तो आप, मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया होगा स्वास्थ्य को लेके, इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हाँ ज़रूरी भी होता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी संभाल पाएंगे, सारे काम कर पाएंगे और उन लोग की देखभाल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वस्थ रहना। मैं बीमार होती हूँ पर इस टाइप की बीमार नहीं होती हूँ कि सेहत को लेके बीमार हूँ। हाँ कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से मैं परेशान होती हूँ, लेकिन वो इन सब से रिलेटेड नहीं होती है।
है पत्ता गोभी, गाजर, मटर, आलू और सब्जी मैंने छौंक लिया। मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही थी कि मैंने आज क्या बनाया। सब कुछ पढ़ चुका बैठी है, जल्द रस खेल रहा है, फिर आटा मल के रोटियाँ सेकेंगे। दाल बन चुकी है, पहली बॉल नौ बॉल। यस बहुत तेज शॉट मारते हैं राज। अरे तुम तो अपने आप ही बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हो। टाइम हो रहा है 2:35, खाना खा के अभी हम बैठे हैं आके धूप में। और ये मक्खन निकाल रहा है मैंने, यहाँ पे बना रहे हैं घी और सांस फूल रही है क्योंकि अभी देखिए कितने ढेर सारे। ये मूली रखी हुई है और ये हटा दूँ यहाँ से, और देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हैं, इतने ढेर सारे बर्तन अभी सब धुले हैं मैंने। ये सब टोकरी में रखे हुए हैं, ये इधर सूखेंगे तब लगाएंगे। दाल डालनी है, उड़द की दाल डालें। दाल घर की बनी है लेकिन फिर भी इसमें है कंकड़, तो बीन के ही इसको भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए। और इस समय भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बड़ी उलझन सी मच रही है और नहीं भूख लग रही। रात को भी खांसी आ रही, इसलिए उड़द की दाल डाल रहे हैं क्योंकि अरहर की दाल उसको नुकसान करेगी। ओह माय गॉड, थक गई हूँ मैं। और कल रात में भी सो नहीं पाई हूँ, रात की खांसी की वजह से तो सिर में भी दर्द हो रहा है। वही चीज़ हो जाती है कि भले ही काम की थकान ना हो लेकिन नींद की थकान हो जाती है, कि अगर हम रात में नहीं सोए हैं ठीक से तो फिर पूरा दिन थकान थकान सी ही रहती है। बच्चों के साथ में यही हो जाता है क्या, रात में हम ही को जगना पड़ता है और काम भी खुद ही देखो फिर।
क्या हुआ, तुमने काट दिया या ताई जी ने? आइए बन रही है दाल और यहाँ पे मैं से कर रही हूँ रोटियाँ। आटा रखा हुआ है, बस चावल भी बन गए हैं तो बस रोटियाँ सेक लूँ। और ये सब्जी मिक्स वेज की सब्जी है, उड़द की दाल और रोटी चावल, पूरा खाना बन गया। रोटियां रही बनाने को, बनाने जा रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको जल्दी। बाय, गुड नाइट।